हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कटोरी दाल ले लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसमें इस दाल को डाल देंगे। तो हमने दाल को कुकर में डाल दिया है। अब हम जिस कटोरी से दाल लिए थे उसी कटोरी के हिसाब से पानी डालेंगे। तो हम इसमें 3 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो हमने पानी डाल दिया है कुकर में, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो हमने नमक डाल लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी को हम मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने देंगे। दाल में सीटी लग चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं पकी है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छे से पक गई है। दाल फ्राई करने के लिए हमने 3 प्याज लिया है, 1 टमाटर लिया है, जीरा और अजवाइन लिया है, 1 तेज़पात लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली है, 1 हरी मिर्च ली है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो हमने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें तेज़पात, जीरा और अजवाइन डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन की कलियां ऐड करेंगे और इसको चटकने देंगे। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। तो हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। अब हम प्याज को भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अगर आपको तुअर दाल अच्छी नहीं लगती है तो आप एक बार इस तरह से बना कर खाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई में नीचे प्याज हमारी जल जाएगी। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारी आधी पक चुकी है। 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब हम इन सब को अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। तो मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। तो हमने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक को हम मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक देंगे। 5 मिनट हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम कढ़ाई में दाल को डाल देंगे। तो दाल हमने 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लिया था। तो आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत अच्छे से पकी हुई है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल हमारी बहुत ही थिक है। अगर आपको थिक नहीं पसंद है तो आप पानी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। दाल को हम धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं दाल हमारी पक चुकी है और इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। अब हम घी को गरम होने देंगे। तो आप देख सकते हैं घी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा हमारा हो गया है। अब हम इसमें 1/2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा तड़का तैयार हो रहा है। अब हम इसमें 7 से 8 करी पत्ता डाल देंगे और इसको इसी तरह से भूनेंगे। गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा छौंका तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे। अब हम छौंके को दाल में मिला देंगे। आप देख सकते हैं हमारी दाल बनकर तैयार है।
आपको मेरी ये दाल की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।